ओम चामुंडाय विच्छे, ओम चामुंडाय विच्छे, ओम चामुंडाय विच्छे। नमस्ते स्वामी जी। हाँ, आपके अनुसार हमने पूजा की सारी तैयारियां कर ली हैं। जब भी आप कहेंगे हम लोग उस लड़की को लेकर आपके पास आ जाएंगे। कब लेकर आए? मैं उसी के बारे में सोच रहा था। अगले महालय अमावस्या के दिन खजाना निकालने के लिए शुभ दिन है। वहाँ जो भी पूजा वगैरह करनी है उसकी तैयारी कर लूंगा मैं। लेकिन मेरे रहते हुए इस मंडल पूजा में उस लड़की को लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और अगर उस लड़की को वहाँ नहीं ला पाए तो हम में से कोई भी जीवित नहीं बच पाएगा। और हाँ, ओम कालिकाए नमः, ये लो, ये भभूत संभाल कर रखो। जब उस लड़की को अपने साथ लाना होगा तब उसके सर पर लगा देना। वो खुद तुम्हारे पीछे पीछे चली आएगी। और मैं पूजा की तैयारी करता हूँ। अरे बेटी पूर्णिमा, रोज तुम किसी ना किसी भगवान की पूजा सेवा करती रहती हो, पर तुम शादी करके अपने पति परमेश्वर की सेवा कब करोगी? हाँ, मुझ जैसी अभागन से कौन शादी करेगा? मुझे किसी को देखकर उसके साथ भाग जाना होगा। ये क्या बेटी, एक लड़की होकर ऐसा कहना अच्छा है क्या? तो और क्या कहूँ मैं, मेरे पिताजी कुछ करते नहीं, बस दिन भर पीते रहते हैं। बेचारी मेरी माँ मेहनत मजदूरी करके हम सबको पाल रही है। अब आप ही बताइए, ऐसी परिस्थिति में कौन मुझसे शादी करना चाहेगा? अगर कोई शादी के लिए मान भी गया तो उसे दहेज देना पड़ेगा। अगर हमारे पास जमीन या जायदाद होती तो उसे बेचकर कुछ किया जा सकता था। तुम चिंता मत करो बेटी, एक ना एक दिन वो तुम्हारे सारे संकट दूर करेगा, सब अच्छा होगा। भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करे। बेचारी इतनी सुंदर लड़की की बलि देना चाहते हैं,